हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखो, ईद का मौसम चल रहा है। ईद जैसे ही आप EID लगाओगे कूपन कोड में, तो 25% का डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो जिन भी बच्चों को कोर्सेज बाय करने थे, मॉक टेस्ट चाहिए थे, अभी काफ़ी अच्छा मौका है, 25% का डिस्काउंट मिलेगा, तो डेफिनेटली बाय करना। ठीक है, क्वेश्चंस पे देखते हैं और डेज भी देखते हैं। तो डेज पे आओगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड पीस, 6 तारीख को हम ये ऑब्जर्व करते हैं ये डे। बीच में सैटरडे संडे होता है, वीडियो नहीं आ पाती है, तो डेज तो हम कवर करते ही हैं, राइट? तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट और एंड पीस की जो थीम है इस बार की, वो क्या है? वो है स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। ठीक है, स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। देन द नेक्स्ट डे इज आउटरीच प्रोग्राम ऑन 1994 जिनोसाइड अगेंस्ट टुट्सी इन रवांडा एंड द यूनाइटेड नेशंस। ये डे हम 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। देखो, टुट्सी एथनिक ग्रुप है, ठीक है, रवांडा में 3 ग्रुप हैं, टुट्सी है, हुतू है, ठीक है। इनका आप कह सकते हैं 1994 के टाइम पे जो है जीनोसाइड, मतलब नरसंहार हुआ था, बहुत सारे लोगों को एक साथ ही जब मार दिया जाता है, दैट इज जीनोसाइड, राइट? 3 एथनिक ग्रुप हैं, एक तवा है, TWA, एंड एक तुसी है, एंड देन जो लास्ट वन है वो है हुतू, दैट इज HUTU। तो फॉर दैट वी ऑब्जर्व अ प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम, एंड दैट इज वी ऑब्जर्व ऑन 7th of April। द नेक्स्ट वन 7th अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं, 7 अप्रैल को, राइट? तो ये कुछ दिन थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन के और। ठीक है, इंडिया का पहला लाइक इंडिया इंडिया विल बिल्ड इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। कब तक इंडिया जो है अपना पहला प्राइवेटली स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, दैट इज SPR जो है, वो कब तक बिल्ड कर लेगी? तो इंडिया 2029-30 तक, मतलब 2029-2030 तक अपना SPR बिल्ड कर लेगी। ठीक है, अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बिल्ड कर लेगी, मतलब 2029-30। एंड दिस इज बेसिकली द कमर्शियल वन, द कमर्शियल मिरर द मॉडल्स दैट आर बींग अडोप्टेड बाय द कंट्रीज, जैसा जापान और अभी साउथ कोरिया में चल रहा है, वी आर फॉलोइंग दैट, विच बेसिकली अलाउज द प्राइवेट लेसेंस एंड मोस्टली मेजर ऑयल मेजर्स टू ट्रेड द क्रूड, राइट? सो फार इंडिया ने अभी तक, इंडिया हैज अलाउड ओनली पार्शियल कमर्शलाइजेशन फॉर इट्स 3 एग्जिस्टिंग SPRs इन द साउथ इंडिया, विच हैव अ कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ 36.7 मिलियन बैरल्स। अगर दो न्यू SPRs की बात करें तो 18.3 मिलियन बैरल्स जो है वो पादुर, साउथ कर्नाटका, बेसिकली साउदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट में है, एंड 29.3 मिलियन बैरल SPR इन द ईस्टर्न उड़ीसा स्टेट। अगर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात करोगे तो इट इज़ अ स्पेशल व्हीकल, स्पेशल पर्पज व्हीकल विच इज़ बींग क्रिएटेड बाई इंडियन गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन 2004, राइट? बेसिकली टू मेंटेन द रिजर्व, द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है, टू मेंटेन दैट इट इज बीइंग फॉर्म्ड, राइट? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। SJVN लिमिटेड ने अभी MOU साइन किया है। किसके साथ MOU साइन किया है? इन्होंने किया है IIT पटना के साथ MOU साइन, बेसिकली टू एडवांस द जियोलॉजिकल मॉडल्स इन जो SJVN की जो टनलिंग प्रोजेक्ट है उसमें जियोलॉजिकल मॉडल को एनहांस करने के लिए IIT पटना के साथ SJVN लिमिटेड ने MOU साइन किया है, अपने टनलिंग प्रोजेक्ट को बेसिकली उसके मॉडल को बेटर एडवांस करने के लिए SJVN ने ये MOU साइन किया है कि जो आउटकम है इस पार्टनरशिप का वो है डेवलपमेंट ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक एल्गोरिथम्स एंड दीज एल्गोरिथम लेवरेजिंग इंटीग्रेटेड जियोटेक्निकल डाटा दैट विल फॉरकास्ट पोटेंशियल रिस्क एंड इट विल प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर द टनलिंग प्रोजेक्ट। एंड अगर हम SJVN की लिमिटेड की बात करें
तो शिमला हिमाचल प्रदेश में इनका हेडक्वार्टर है, सीएमडी है गीता कपूर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करनी है, ये स्टैंड अप इंडिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, वो करेक्ट है। ठीक है, तो जब स्टैंड अप इंडिया आया था ये ऑलमोस्ट 5 अप्रैल की बात है और 2016 की बात है। ठीक है, तो स्टैंड अप इंडिया 2016 में लॉन्च हुआ था और जब ये 2016 में लॉन्च हुआ था तो 2016 में ही अम्बेडकर जी की जो है 125वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी की अगर हम बात करें तो वो उनकी अम्बेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ जो है वो इसी टाइम पे थी जब 2016 में स्टैंड अप इंडिया आया। जनरली जो निम्न या फिर आप कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से जो लोग बिलोंग करते हैं या जो महिलाएं हैं महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी। लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा था, किया जा रहा है इवन इस स्कीम में, कुछ एक्सटेंशन मिली है 25 या 26 तक एक्सटेंड हुआ है, रिसेंट न्यूज़ ये है, दैट्स वाई वी हैव कवर्ड दिस इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं और देखते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है। देखो पहले में ही लिखा हुआ है कि इट कोइंसाइड्स विद द सेलिब्रेशन ऑफ 130 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भीमराव अम्बेडकर, ये चीज़ गलत हो जाएगी, तो पहला तो गलत है। आगे देखते हैं, टारगेट ऑडियंस शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट विमेन एंटरप्रेन्योर है, ये ठीक है। स्कीम बैंक लोन प्रोवाइड करती है 10 लाख और 1 करोड़ का, बिल्कुल ठीक है। लोन का जो रीपेबल होगा वो 7 साल में और मैक्सिमम जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो 18 महीने का है, ये भी ठीक है। तो 3 करेक्ट हैं, 1 गलत है। तो इसमें पूछा है कितने करेक्ट हैं, तो 3 करेक्ट हैं, ओनली 3 आर करेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया 16 में हुई, 5 अप्रैल 2016, तो 8 साल पूरे हो गए एंड इसको 2025 तक, राइट 2025 तक एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, दिस बेसिकली प्रोवाइड लोन फॉर ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में है या ट्रेडिंग सेक्टर में भी है या एग्रीकल्चर में है, दे प्रोवाइड लोन्स टू दोज, राइट। चलो आगे चलते हैं, हु हैज़ बिकम 33 जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स इन अप्रैल 2024। तो 33वें डायरेक्टर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल JS सिधाना। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल JS सिधाना डायरेक्टर जनरल बने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के एंड ही हैज़ बीन द मेजर जनरल ऑफ EME ऑफ HQ सेंट्रल कमांड एंड कमांडेड आर्मी बेस वर्कशॉप एंड EME सेंटर। एंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की, तो द स्कोप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स इट वॉज बींग सेटअप इन 1943 एंड जो आर्म्स जो सर्विसेज ब्रांच है वो इंडियन आर्मी है एंड जो कॉप्स है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड जो सबसिस्टेंस है बेसिकली वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ इक्विपमेंट विच बेसिकली held on the inventory of Indian Army, right? चलो आगे चलते हैं, who has been appointed as the chairman and managing director of Konkan Railway Corporation Limited, Konkan Railway Corporation Limited के CMD, that is chairman and managing director बने हैं संतोष कुमार झा। ठीक है, तो झा जी जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं CMD Konkan Railway Corporation Limited के and बहुत सारी डोमेन्स में काम किया हुआ है, ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बिजनेस डेवलपमेंट एंड अगर आप कोंकण रेलवे की बात करोगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर है, इट कवर्स कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बेसिकली महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका एंड नवी मुंबई महाराष्ट्र में इसका बेसिकली हेडक्वार्टर है। ठीक, आगे चलते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अर्ज द यंगस्टर्स टू वोट इन द इलेक्शंस, ठीक है, इन द लोकसभा इलेक्शन। तो हाल ही में अभी आयुष्मान खुराना जी जो हैं वो वीडियो के तौर पे, ठीक है, वीडियो के माध्यम से और वैसे भी, ठीक है, लोगों को जो वोट कर रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं के युवा पीढ़ी के लोगों को वो विनती करेंगे, वो उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप सभी वोट कीजिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन वीडियो बनाई है जिसमें उनका ये मैसेज भी होगा कि वोट करें और ज़रूर करें। वोटिंग की बात करें तो 19 अप्रैल से शुरू होगी और 4 जून पे
चार्ज उनको बेसिकली जो वोट्स हैं, जो काउंटिंग ऑफ वोट्स हैं, वो इट विल बी टेकन अप, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही है। राजीव कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, राइट। चल, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में कोलाबरेट किया है किसके साथ? तो इन्होंने लघु उद्योग भारती के साथ अभी कोलाबरेट किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, ठीक है, ताकि ये लोग एनहेंस कर सकें अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इन सेंटर्स एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम, राइट। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोलाबरेट किया लघु उद्योग भारती के साथ बेसिकली, ताकि ये एनहेंस कर सकें, ये पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें सेंटर की एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम में। ये आउटलाइन, ये एमओयू बेसिकली आउटलाइन करता है, एक रोड मैप शो करता है फॉर द कोलाबरेटिव इनिशिएटिव, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम, कैंप्स, कंसल्टेशंस स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, अडॉप्शन ऑफ लीन प्रिंसिपल, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अंडर द स्कीम अमंग द मेंबर्स, अमंग दी एमएसएमईज, राइट। नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड ऑफ बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विच इज कॉन्स्टिट्यूंट बोर्ड ऑफ क्यूसीआई, इट विल एनकरेज लघु उद्योग भारती मेंबर्स कि वो रजिस्टर करें एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम के तहत। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करोगे तो दिल्ली में ही इनका हेडक्वार्टर है, चेयरपर्सन है जैक्सी शाह, ठीक। आगे चलते हैं, उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम बताना है, उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम बताना है जिसने अभी इन ऑप्शंस में से, जिसने अभी जो जियो टैगिंग है प्रॉपर्टीज की उसकी डेट जो है वो बढ़ा दी है। तो ये दिल्ली ने बढ़ाई है, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जियो टैगिंग की डेट 30 जून तक कर दी है बढ़ा के। एंड व्हाट इज बेसिकली जियो टैगिंग एंड हु आर द वन, जो जियो टैगिंग की जैसे डेट बढ़ी एक्सटेंड हुई तो इससे लाइक हु आर द वंस हु गेट अफेक्टेड। बेसिकली इट इज डन टू गिव अनदर अपॉर्चुनिटी जो टैक्स पेयर हैं, जो रजिस्टर कराते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, सिविक बॉडी के साथ, तो उनको जिन्होंने नहीं करवाया वो करवा सकते हैं एक्सटेंशन के बाद, ठीक है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं जो नहीं करवा पाए रजिस्टर एमसीडी पोर्टल के साथ टेक्निकल ग्लिच के कारण, बट अब वो एक्सटेंडेड डेट है तो करा सकते हैं। अगर टैक्स पेयर नहीं करवा पाता है जियो टैगिंग अपनी प्रॉपर्टी का तो जो रिबेट है वो उन्हें नहीं मिल पाती, तो जो पेमेंट है टैक्सेस का वो उन्हें लमसम दे के नॉट अवेल दैट, राइट। जियो टैगिंग में क्या होता है ना, बेसिकली एक यूनिक जो आप जहाँ रह रहे हो वो पर्टिकुलर एक लेटिट्यूड पे आपका घर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे एक कोऑर्डिनेट होते हैं लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड के, उस कोऑर्डिनेट पे आपका घर होगा, उस कोऑर्डिनेट पे आपकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो मैप होती है, और एक यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड आपको मिलता है, और यही कोड जब आप हाउस टैक्स भरते हो ना, ठीक है, अब तो प्रोसेस ऑनलाइन हो गया, तो जब आप हाउस टैक्स भरते हो तो यूपीआईसी कोड एक होता है डिजिट्स का, तो वो हर किसी का यूनिक होता है और वो आपको मिलता है, और उसके थ्रू बेसिकली आप लॉग इन एंड ऑल, क्योंकि वो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है वो कोड, आपके घर या फिर आपने जो भी प्रॉपर्टी ली होती है, ठीक है, तो एंड सो उससे रिलेटेड होता है, राइट। चलो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली टीम्ड अप विद एचपी इंडिया, ठीक है, इनमें से किसने एचपी इंडिया के साथ टीम अप किया है? तो एचपी इंडिया के साथ टीम अप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एचपी इंडिया के साथ बेसिकली टीम अप किया है टू एम्पावर प्रोफेशनल इन नेविगेटिंग द इंट्रिकेसीज ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क, राइट। सो दिस इज बेसिकली दे हैव टीम अप टू इंट्रोड्यूस एचपी फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स, IICA सर्टिफाइड एनवायरमेंटल, सोशल गवर्नेंस प्रोफेशनल प्रोग्राम, एंड दिस इनिशिएटिव बेसिकली एम टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज आर CSR professionals to merge as the leader in navigating the intricacies of environment social governance framework. इस स्कीम के अंदर एच पी इंडिया ने कोलाबरेट किया है जैसे हम जानते हैं IICA के साथ, एंड दे विल ऑफर 100% स्कॉलरशिप 75 स्टूडेंट्स को, 75 कैंडिडेट स्टूडेंट्स नहीं 75 कैंडिडेट्स को, एंड दे विल अनेबल देम एंड दे विल बेसिकली परस्यू एडवांस एजुकेशन
इन दी ESG, दैट इज एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, विदाउट द फाइनेंशियल बैरियर, क्योंकि स्कॉलरशिप मिल जाएगी कैंडिडेट्स को. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करें, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, एंड थिंक टैंक की तरह काम करता है. कैपेसिटी बिल्डिंग, इट वर्क एज कैपेसिटी बिल्डिंग, इट डिलीवर्स द सर्विसेज लाइक सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन है इन द कॉर्पोरेट इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है. एंड प्रवीण कुमार जो हैं वो डायरेक्टर जनरल एंड CEO है इसके. राइट, चलो आगे चलते हैं. बुल्गेरिया एंड रोमानिया ने पार्शली पार्ट सॉरी दे हैव पार्टली ज्वाइंट यूरोप्स शिगेन एरिया, ओके, ऑफ फ्री मूवमेंट. विद दिस शिगेन एरिया हैज हाउ मेनी मेंबर्स? 29 ही मेंबर्स हैं शिगेन एरिया में. होता क्या है, देखो जब आप यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है ना, हर थोड़ी देर में टाइम बदल जाता है, ठीक है. हर थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि एक जगह से आप एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में चले गए. तो दिस एरिया, दिस शिगेन एरिया, इसको शिगेन एरिया ऑफ फ्री मूवमेंट की तरह ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं. रीज़न, क्योंकि जो आप ट्रैवल करते हो, जब आपको लेट से यहाँ से इंडिया से आप कहीं भी जा रहे हो बाहर, आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, या आप किसी रीज़न की वजह से ही जा सकते हो. बट उस एरिया में ट्रैवल जो है वो फ्री है, ठीक है, कोई वीज़ा या कुछ ऐसा नहीं है, ठीक. यू जस्ट हैव योर टिकट एंड यू कैन फ्रीली मूव टू दैट पर्टिकुलर जोन. सो बुल्गेरिया एंड रोमानिया दे हैव बेसिकली अनाउंस्ड एंड दे हैव पार्टली ज्वाइन दिस बेसिकली दिस मूवमेंट, दिस फ्री मूवमेंट, दिस एरिया ऑफ फ्री मूवमेंट. एंड विद दिस एनी पर्सन लाइक दे आर क्रॉसिंग द इंटरनल लेयर एंड द सी बॉर्डर विल नॉट बींग चेक्ड, ठीक है, उन्हें चेक नहीं किया जाएगा. तो 29 मेंबर्स हैं, फ्री ट्रैवल एरिया है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं आयरलैंड और साइप्रस को छोड़ के. एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन मेंबर्स जो आइसलैंड, लिचेंस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के हैं. एंड एरिया जो है वो 14 जून 1985 में क्रिएट किया गया था. और जोन को शिंगेन, जो लग्जमबर्ग का जो विलेज है जो फ्रांस और जर्मनी को बॉर्डर करता है, उसके नाम पे इसको रखा गया. एंड जो ये साइन किया गया वो 1985 में ही साइन किया गया. 6 में से 5 जो यूरोपियन फाउंडिंग मेंबर्स थे इटली के अलावा, उन सब ने इसको साइन किया था. एंड नाउ 29 मेंबर्स आर देयर, राइट. सो दिस वॉज दैट फ्रॉम द टुडे सेशन. आई होप यू गाइज वुड बी लाइकिंग दिस. जैसा आप जब हम स्टूडियो में तो अभी भी ले रहे हैं, बाकी स्क्रीन पे जैसा आपको लगता था अच्छा, शायद अभी भी उतना ही लग रहा होगा क्योंकि टीचर सेम है, क्वेश्चन तो कभी भी सेम नहीं होते हैं. बट हाँ, वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट कि कोई रुकावट ना आए, ठीक है. डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ करंट अफेयर जो है वो मिलते रहे, न्यूज़ आप तक पहुँचते रहे, एंड रुकावट नहीं आए. अभी कुछ दिन ऐसे ही होगा और जैसे ही हम स्विच कर पाएंगे वैसे ही हम बोर्ड पे भी डेफिनेटली स्विच करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन. वी विल बी मीटिंग यू टुमारो. थैंक यू.